हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका स्वागत है। आज हम दो शेयर के बारे में बात करेंगे। पहला शेयर है PVR, दूसरा शेयर है आयोनेक्स। ये दोनों थिएटर है जहाँ पर हम जाके मूवीज़ वॉच करते हैं। ओके, पर आगे इन शेयरों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अपने करीबियों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पांच वीडियोस डाल रखी है। आइए हम पहले शेयर की तरफ चलते हैं। तो पहले शेयर का नाम है PVR। PVR शेयर का जो आज का परफॉर्मेंस है 53.20 पॉइंट्स डाउन है, मीन्स 4.668% की इसमें गिरावट है। ओके, और इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम बात करते हैं तो 2006 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो 270 रुपीज़ पर लिस्ट हुई थी। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि आज की डेट में 1083 पर ये स्टैंड किए हुए है। ओके, और ये ड्यू टू पेंडामिक आज 1083 पर है, अदरवाइज ये ड्यू टू बिफोर कोविड से पहले ये 2000 के आसपास ये मूव करती थी। आज के हम परफॉर्मेंस की इसकी बात कर लेते हैं तो 52 वीक लो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 711 रुपये का 52 वीक लो 19 में 2020 को लगाया था, और 52 वीक हाईज का कोविड से पहले 25 फेब को 2100 रुपये के आसपास था। और डिलीवरीज की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं 8% की लगभग लगभग डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है। और हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास लगभग 18.56% के शेयर्स हैं, और पब्लिक के पास 81.44% के शेयर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। ये कंपनी डिविडेंड के मामले में भी काफ़ी अच्छी है, तो 2017 में 2 रुपीज़ का, 18 में 2 रुपीज़ का, 19 में 2 रुपीज़ का, 20 में 4 रुपीज़ का, अभी 5 मार्च को इन्होंने डिविडेंड दिया। इसके अलावा 9 जुलाई 2020 को इन्होंने 774 रुपये का, मतलब 774 रुपीज़ का इन्होंने राइट इशू भी लॉन्च किया था। ओके, जिन्होंने उठाया था उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। इसके अलावा हम इसके बैलेंस शीट एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और इसके बैलेंस शीट की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो इसके रिजर्व्स कंटिन्यूस एवरी ईयर, जैसे कि आप देख रहे हैं 2016 में 807, फिर 906, फिर 1090, 1009 एंड 1162, फिर 1411 करोड़ रुपीस का यहाँ पर रिजर्व्स इसके पास इंक्रीज हुए, मतलब ये इस तरीके से इनके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा डेट की बात कर लेते हैं तो हाँ, इस कंपनी के पास के ऊपर डेट है और डेट भी कंटिन्यूस इनका इंक्रीज हो रहा है। तो 574, फिर क्या 729, 660, 942 और 1099, इस तरीके से इनका डेट भी इंक्रीज हो रहा है। और इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं तो आप जैसे कि देख रहे हैं पहले इनका कैश इनके पास 16 में 18 करोड़ का, फिर 17 हुआ, फिर 22, फिर 23, और आज 2020 में इनका कैश एंड बैंक बैलेंस लगभग 320 करोड़ रुपए का इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो शेयर, एक बार हम इसके रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। ऑलवेज मैं आपको कहता हूँ कि जितना आप लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो ड्यू टू कोविड-19, ओके, ये रिटर्न्स आपको ये लाल में दिख रहे हैं, एक दिन में इसका रिटर्न माइनस में चल रहा है, एक वीक में भी चल रहा है, बट आप लॉन्ग पे देखिए, लॉन्ग में आपको देखेंगे तो 5 ईयर्स में 29% का इसने रिटर्न दिया और 10 ईयर्स में 602% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स में आपका पैसा इसने 602%, 602.79% के हिसाब से आपका ये पैसा इंक्रीज किया है। बहुत अच्छी कंपनी है। खुद इनके जो ओनर, इनके जो फाउंडर है अजय बिजली ने खुद ही अपनी कंपनी के शेयर अभी कोविड-19 जब हुआ था उसके बाद खरीदे है। तो कोई ओनर अपनी ही कंपनी के शेयर तब खरीदता है जब उसे अपनी कंपनी में बिलीव होता है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। तो आप भी, और ये ड्यू टू कोविड-19 ही 1083 पर ये अभी स्टैंड है। जैसे ही ये थिएटर एक बार रिज्यूम हुए, थिएटर एक बार ओपन हुए, तो ये शेयर गोली की तरह भागेगा, और जो ये पहले 2000 के आसपास आता था उसी तरीके से आज फिर ये 2000 के आसपास आपको मिलेगा। इसके अलावा हम दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं, आयोनॉक्स लेजर लिमिटेड की। तो एक दिन का परफॉर्मेंस जैसे कि आप देख रहे हैं 18 पॉइंट की गिरावट है,
मतलब 7.01% की इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं एक बार, तो 2006 में 187 रुपीस पे ये मिलता था और आज ये 237 पर मिल रहा है। और इसका जो मैक्सिमम, जैसे कि आप देख रहे हैं 14 फरवरी 2020 को 473 रुपीस के आसपास ये ट्रेड किया करता था, जस्ट बिफोर ऑफ कोविड 19। जैसे 52 वीक इसका लो हम देख रहे हैं, तो 19 मई 2020 को अभी ही मई में 158 रुपये 158 रुपीज़ का यहाँ पर लो लगाया था इसने। फिर इसके बाद 25 फरवरी 2020 को 25 फरवरी 2020 को 511 रुपीज़ का इसका हाईएस्ट है। तो जैसे ही कोविड, जैसे ही ये रिज्यूम होगा, जैसे ही थिएटर रिज्यूम होगा, तो दोबारा ये शेयर जो है 237 पर अभी चल रहा है और इसका फैम में 511 था, तो ये अपने अभी हाफ प्राइस में मिल रहा है। और जैसे ही ये रिज्यूम हुआ थिएटर एक बार, तो धीरे धीरे करके विद इन, जैसे ही रिज्यूम हुआ विद इन उसके 6 और 2 और 4 5 महीने में 511 पर ये ऑटोमेटिकली स्टैंड करेगा। आज के डिलीवरीज की बात कर लेते हैं, तो लगभग 36.78% की डिलीवरीज उठाई गई है। और इसके शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास 51.89% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 47.90% की होल्डिंग है और कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। और 2019 में इन्होंने 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया था और काफ़ी कम प्राइस में आपको अभी ये शेयर मिल भी रहा है। इसके अलावा हम एक बार इनका बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो इसके जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। 16 में 494, फिर 456, फिर 573 करोड़, फिर 861 करोड़ और फिर 519 करोड़ रुपीस के इसके रिजर्व्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट पिछले ईयर के मुकाबले इसके रिजर्व्स काफ़ी कम हुए हैं, पहले 861 थे 19 में, अब 519 है। एक बार डेट उसके इसको या इस कंपनी के ऊपर भी कर्जा है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले 242 करोड़ का कर्जा था, फिर 291.93 का कर्जा हुआ, फिर 252 करोड़ का, फिर 75 और फिर दोबारा अब इसका 2020 में 122 करोड़ के लगभग का कर्जा इसके ऊपर है। कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस इनका बेहतरीन है और बढ़ता जा रहा है। पहले 26 था, फिर 12 हुआ, फिर 14 करोड़ हुआ, फिर 13 करोड़ के लगभग हुआ, फिर आज ये 44.10 करोड़ इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। हाँ, इस कंपनी के पास डेट है, एज अ PVR के पास जैसे डेट था, इस कंपनी के पास भी डेट है। बट इसके अगर हम एक बार इसके भी रिटर्न्स के बात कर लेते हैं, तो इसके रिटर्न्स PVR से थोड़े से ज़रूर कम है, बट कंपनी को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो जैसे कि बताया कि FD में आपको अगर 10 साल, इस यहाँ पर 10 साल में 186% का लगभग आपको प्रॉफिट हुआ है, बट FD में अगर आप डालते हैं तो अगर आपको 10% का भी, हम देखते हैं कि 10% भी आपको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, तो आपका केवल 100% होता है, बट यहाँ पर 186.36% के आपको रिटर्न दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न है, बट ये कोविड के रीजन से यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही ये कोविड ख़त्म होगा तो ये आप जो आप भी नेगेटिव रेड रेड में, रेड में आपको दिख रहे हैं, ये सब आपको दोबारा ग्रीन में शो हो जाएंगे। तो मेरा कंक्लूजन बस इतना ही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 19, और अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि ये ओपन होने वाले हैं, बट कल ही अनलॉक 3 में, जैसे कि आप न्यूज़ में स्क्रीन पर देख रहे हैं कि PVR, आयोनेक्स, लेजर स्टॉक्स फॉल आफ्टर गवर्नमेंट सेज सिनेमा हॉल टू रिमेन क्लोज इन अनलॉक 3। मतलब हम ये डिजर्व कर रहे थे, कि सोच रहे थे कि अनलॉक 3 जो हमारा अनलॉक 3 होने वाला है अभी अगस्त में, तो इसमें दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगे विद द क्वान्टिटी ऑफ 25%, कि हाँ जैसे पहले पूरी फुल रहता था, तो अभी फुल नहीं, 25% के हिसाब से एक बार रिज्यूम हो जाएंगे कि 25% ही पब्लिक उसमें देखेगी, बट गवर्नमेंट ने अभी मना कर दिया है और ये अभी सिनेमा हॉल PVR आईनॉक्स बंद रहेंगे, जिसकी वजह से इन शेयरों में गिरावट आज के दिन भी देखी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज भी यहाँ पर 5% और वहाँ पर 7% की गिरावट हुई थी। बट मेरा मानना है, मेरा कहना है कि जैसे ही ये रिज्यूम होगा, जैसे ही एक बार ओपन होगा, जैसे ही कोविड ख़त्म होगा, विद इन 2, 3 और 5 मंथ्स ये शेयर भागेगा और बहुत अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में देगा। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं
और आपसे विनती है कि आप हमारे शेयर हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपके पास रेगुलरली हमारी वीडियोस मिल जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।